नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष का पालन अर्पण करें। भैया इधर देख लीजिए, अरविंद भाई जी आपको बिहार से। प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ पिछले 15 तारीख को। आज हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, कार्यकर्ता लोग, नेता लोग आज मेरा स्वागत समारोह कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, चैनल के लोगों को, अपने साथियों को, सबको धनतेरस के दिन दीपावली की बधाई देता हूँ। आज चूँकि वो समय नहीं है कि जिसमें बहुत चीज़ों पर हम चर्चा करें और बातें करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व श्री राम विलास पासवान जी को और चिराग पासवान जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उनका इतना ऊंचा विचार रहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर एक सवर्ण जाति के व्यक्ति को इस पार्टी का दायित्व सौंपा है। तो मैं कह सकता हूं, ये बात को कह सकता हूं कि अपने सभी साथियों के सहयोग से इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी का आधार दूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों के बीच में जो पार्टियां आईं सत्ता में, उन लोगों ने इस प्रदेश के विकास में जिस तरह से असंतुलित विकास, मैं कह सकता हूं कि कहीं विकास हुआ भी, कहीं एकदम नहीं हुआ, तो जो आज स्थिति है उत्तर प्रदेश में उसको ठीक से विकास हो और उत्तर प्रदेश एक, जो आज लोग इसको उल्टा प्रदेश कहते हैं, एक उत्तम प्रदेश के रूप में देश में जाना जाए। क्योंकि आंध्र देश के जो राज्य हैं वो विकास की तरफ उनका ग्राफ बढ़ा और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कि विकास नीचे की तरफ गया। जितने डाटा हैं विकास के, सारे हर योजनाओं के, वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को जितना आगे रहना चाहिए था, जिस अनुपात में रहना चाहिए था, वो हम 25 साल के रिकॉर्ड को अगर देखते हैं, 25 साल के रिकॉर्ड को अगर हम देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पीछे गए और राज आगे गए। तो यहाँ गरीबी भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी, कल कारखानों का स्थापना नहीं हो पाई, सारी चीज़ें नहीं हो पाई। हमारे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन भी है, केंद्र में भी सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो सरकार है, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ। लेकिन अगर उसमें कहीं कमी बेशी भी रहेगी तो एक स्वतंत्र रूप से हम लोग उस बात को भी कहेंगे और आवाज़ को उठाएंगे। आने वाले दिनों में 2019 में भी हमारे पार्टी की यह राय है कि हमारी पार्टी के कुछ लोग चुनाव लड़ें। 2022 में हम पूरी तैयारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 403 से जो सीटें हैं उस पर सब हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाएँ। जब तक पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तब तक पार्टी का जनाधार बढ़ता भी नहीं है, इसलिए मेरा ये लक्ष्य रहेगा, 2022 हमारे टारगेट में है। हम दोनों चुनाव, लोकसभा का और विधानसभा के चुनाव में हमारे जितने भी साथी हैं, अपने मंथन करने के बाद ये मैं कह सकता हूं कि एक मजबूत पार्टी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी उतरेगी। राम मंदिर का मुद्दा देखिए राम मंदिर का मुद्दा तो अब है, अभी चल रहा है, और लोकतंत्र में, यहाँ राजतंत्र तो है नहीं, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका का जो जनादेश आएगा उसको सबको मानना चाहिए, और कोई सहमति निकल जाती है तो उसको मानना चाहिए। जी मैं, हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर क्योंकि धनतेरस है आज, सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ, चुनाव लड़ने का अगर साहब कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लाई था, जब साहब के साथ पार्टी में जुड़ा तो मैंने नौकरी को भी इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से मैं संघर्षरत हो गया पार्टी में। जी कानपुर जिला अध्यक्ष, और हमारे यहाँ कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, हमने 10 सीटों पर चुनाव लड़वाए, 2007 में भी, 2012 में भी। भाई विजय इसलिए नहीं प्राप्त हुई कि पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे
कोई दूसरे नंबर पे आया, कोई तीसरे नंबर पे आया। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके अलावा? आपके पता भी बस, हम अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष पांडे जी हैं, वो जो पार्टी को दिशा निर्देश देंगे उस दिशा पर हम लोग काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और पांडे जी से कुशल नेतृत्व की उम्मीद है? जी हाँ, हमें उम्मीद है कि वो जो है पार्टी को नई दिशा देंगे, पार्टी हमारी आगे बढ़ेगी और कोशिश ये होगी कि लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की भागीदारी हो। और आने वाले विधानसभा तो खैर अभी बहुत दूर हैं, उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकता। चौक परिक्षेत्र के गोमती तट पर स्थित माता गोमती के समक्ष लगभग 1100 युवक